दोस्तों, क्या आपको पता है NVSP पोर्टल के बारे में, यानी कि नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी का कुछ भी करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फादर्स नेम, बहुत सारी चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं ऑनलाइन पर घर में बैठ के। किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही लॉगिन करेंगे। इसके लिए ज़रूरत होगा आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। इस तीनों चीज़ को आप रखिए आपके पास। मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा NVSP पोर्टल के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, आपके नेम चेंज करना है, एड्रेस करेक्शन करवाना है, आपकी फादर्स नेम करेक्शन करवाना है। इसके अलावा NVSP पोर्टल के ऊपर जितने सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ डिटेल में। सो इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल, या फिर आप कह सकते हो कि नॉलेजेबल भी होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर सर्च करना है NVSP, और सर्च करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट है NVSP.in, नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। बट अगर आपके पास यानी कि कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे करना है डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र। तो दिखा देता हूँ कैसे न्यू यूज़र रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है डाल दीजिए, और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, जैसे है सेम टू सेम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए, और यहाँ पे करना है सेंड OTP। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP पुट करके यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एपिक नंबर। एपिक नंबर मतलब है आपके वोटर आईडी के ऊपर जो एक नंबर होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स करके जो रहता है, यहाँ पे आपको डालना है EPIC नंबर, यानी कि एपिक नंबर। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, और करना है रजिस्टर। तो आपका एपिक जो नंबर है वही आपका यूजर नेम है, और यहाँ पे जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वही पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है। तो पासवर्ड का जो पैटर्न है आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, और डिजिट यानी कि एटलीस्ट 1 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो पासवर्ड मिक्स करके आपको देना होगा, यानी कि सीधी बात कम्प्लेक्स पासवर्ड। तो यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर EPIC नंबर, कुछ भी आप डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा कोड, और करना है लॉगिन। और दोस्तों, यहाँ पे यूजर नेम पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि बताया ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड भी डाल दिया, और यहाँ पे करना है लॉगिन। और दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो माई प्रोफाइल और लॉगआउट, यानी कि हमारा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलता है, तो आपको वन बाई वन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फ्रेश एनरोलमेंट के लिए यहाँ पे माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ दिखा दूं, बट मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे हम करेंगे करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, तो यहां पे क्लिक करना है, या फिर फॉर्म पर आके यहां से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पे करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स यहां पे क्लिक करना है। और दोस्तों, यहाँ पे बता दूँ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर करके रखूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीज़ प्रोवाइड बिलो डिटेल्स, यानी कि आपको जो करेक्शन करना है, आप सेल्फ यानी कि आपका खुद का या फिर फैमिली का, अगर फैमिली का करना है तो यहाँ पे चेक करना है फैमिली को, यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे एंटर EPIC नंबर, यानी कि आपकी मम्मी पापा या फिर भैया जो भी है उनका जो वोटर आईडी के ऊपर जो सबसे ऊपर नंबर होता है यहाँ पे डालना है, और नेक्स्ट करना है। और सेल्फ के अगर सेल्फ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एपिक नंबर दे के लॉगिन किए हो। तो यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि
मैं खुद का चेंजेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म टाइप का आएगा, डिटेल ओवरव्यू आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर है भाषा, यानी कि आपको भाषा बदलना होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश, हिंदी है तो यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर्म 8, यानी कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं तो ये फॉर्म 8 है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्टेट, यहाँ पे असेंबली, और यहाँ पे आपको नीचे दिखाएगा एप्लीकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ टिक द एंट्री व्हिच इज टू बी करेक्टेड, यानी कि जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा। जैसे कि मेरा नेम सही है, एज भी सही है, मुझे फोटोग्राफ चेंज करना है, और यहाँ पे नेम ऑफ रिलेटिव और टाइप ऑफ रिलेशन और जेंडर, यानी कि मेरा फादर्स नेम चेंज होगा यहाँ पे, यानी कि चेंज मतलब स्पेलिंग चेंज होगा। यहाँ पे माई फोटोग्राफ चेंज करने वाला हूँ, तो मैं चारों चीज़ें टिक मार्क लगा दिया जो मुझे चेंजेस करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव्स नेम, यहाँ पे रिलेटिव्स नेम और रिलेटिव्स सरनेम। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिलेटिव्स नेम और रिलेटिव्स सरनेम। और यहाँ पे रिलेशन क्या है, जैसे कि मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, गुरु, जो भी है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जितने भी डिटेल है भर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रिलेटिव नेम, रिलेटिव्स सरनेम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, यानी कि अगर जो भी स्टेट का लोकल लैंग्वेज है, वो ओडिशा के केस में ओडिया आता है, आपके केस में हिंदी आ सकता है, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे बंगाली आता है। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज अगर सही आ रहा है तो ठीक है, अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, कुछ स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड पर क्लिक करके आप सही से नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा गलत आया है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कीबोर्ड पर क्लिक करके आपको चेंजेस करना है। तो यहाँ तक आने के बाद नीचे की तरफ है रिलेशन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है फादर नेम, या फिर मदर है तो मदर, यहाँ पे जेंडर, फादर का जो जेंडर है यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नीचे की तरफ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे माई फोटोग्राफ, तो यहाँ पे चूज फाइल करके मेरा जो फोटोग्राफ है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटोग्राफ, फादर्स नेम मैं पूरा चेंजेस कर दिया, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो भी आ रहा है मेरा बंगाली में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर दिया। आपके केस में हिंदी हो सकता है, ओडिया हो सकता है, मराठी हो सकता है, जो भी है यहाँ पे आप चेंजेस कर दीजिए। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ आना है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर कुछ भी आप गलत चीज़ें डालते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, यानी कि भाई आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो सही से डालो, कुछ भी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत डालो, जितने भी सही इन्फॉर्मेशन है सेम टू सेम आप डालो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे प्लेस पर मेरा जो भी बर्थ प्लेस है यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे नीचे की तरफ कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ गया, तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ तक हम कर चुके हैं कंप्लीट, जो भी चेंजेस करना है कर चुके हैं, अब फाइनली करेंगे सबमिट। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो घूम रहा है आप देख सकते हो तिरंगा टाइप का है। और यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस ID इज जो दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेरा जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन ट्रैक फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस हियर, तो यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एंटर रेफरेंस आईडी, तो यहाँ पे रेफरेंस आईडी को मैं पेस्ट कर दिया जो कॉपी करके रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करना है और करना है ट्रैक स्टेटस। और ट्रैक स्टेटस करने के बाद आप देख सकते हो सबमिटेड आज का डेट दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो है BLO अपॉइंटेड, एक BLO अपॉइंटेड होगा, इसके बाद फील्ड वेरीफाइड होगा, यहाँ पर जो फाइनल स्टेप है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर आपने सही एड्रेस डाला तो जो आपका एप्लीकेशन है एक्सेप्ट हो जाएगा और 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाला, कुछ फ्रॉड इन्फॉर्मेशन डाला, तो भाई आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ट्रैक स्टेटस करना है, एक बार आपको दिखा देता हूँ नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल डैशबोर्ड के ऊपर आके कैसे चेक करना है। अगर आप NVSP की डैशबोर्ड के ऊपर हो, यानी कि होम पेज पर, तो चेक करने के लिए यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करना है, और यहाँ पे आपका जो रेफरेंस आईडी है पेस्ट करना है।
और यहाँ पे करना है ट्रैक स्टेटस। तो आपको दिखा दिया किस तरीके से NVSP पोर्टल के ऊपर चेंजेस करना है, कैसे करेक्शन करना है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको और भी कुछ जानना है इस पोर्टल के बारे में, और भी कुछ चेंजेस करना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि मैं इसके ऊपर और भी 2-3 वीडियो लाऊं, और इस पोर्टल के ऊपर जितने भी सारी सर्विसेज अवेलेबल है सब कुछ मैं कंप्लीट आपको बता दूं। भाई मैं इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं, बस मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, आप सभी को कुछ दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और भी कुछ जानना है इस पोर्टल के बारे में तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आई होप इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।